तो दोस्तों आज है संडे और मैं आ गया हूँ अपने गांव से काफी दूर घूमने के लिए। तो दोस्तों यहाँ की लोकेशन जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं कितनी बढ़िया लोकेशन यहाँ की है, तो इसी लोकेशन का एक व्यू आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बैक कैमरा को ऑन कर लिया है और आप यहाँ के खेतों की लोकेशन बिल्कुल आप देख सकते हैं। और सामने जो पेड़ आप देख रहे हैं ये पॉपुलर के पेड़ हैं, पीपल के टाइप के होते हैं, तो इन्हें पॉपुलर कहा जाता है, मतलब वैरायटी एक ही होती है। आप देख रहे होंगे कितना बढ़िया यहाँ इसका लोकेशन आ रहा है। और सामने मेरा गांव है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जस्ट सामने। मैं जूम करके आपको पॉइंट करवाता हूँ, वो देखिएगा, वो सामने हमारे गांव का पीपल का पेड़ है और ये हमारा गाँव है। लगभग आधा किलोमीटर दूर हूँ मैं गाँव से और सामने तक जाऊँगा घूमने, उस पहाड़ तक घूमने जाऊँगा और वहीं से थोड़ा बहुत आपको व्यू दिखा दूंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खेतों में अभी गेहूँ काफ़ी बड़ी हो गई है। पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया था मैंने, काफ़ी छोटी थी मतलब अब काफ़ी बड़ी हो गई क्योंकि 15-20 दिन बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। और ये मसूर अभी उगी नहीं है, कुछ कुछ यहाँ पर हुई है, अभी आपको ऊपर दिखाऊंगा। चलिए, और सरसों भी किसी किसी खेत में तो बढ़िया हुए हैं और किसी खेत में अभी तक हुए भी नहीं है। देखिए ये सरसों के पीले फूल आप देख सकते हैं। तो यहाँ का व्यू कुछ अलग ही टाइप का है, मतलब एक अलग लेवल का व्यू है। और उत्तराखंड के आप प्राकृतिक नज़ारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा देखने लायक जगह होती हैं। अब काफ़ी मंदिर भी हैं और मेरे को अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, वरना मैं आपको मंदिर वगैरह के टूर करवा देता। फिर भी मैं आपको टाइम निकाल के कभी ना कभी टूर करवा ही देता हूँ। और जल्दी ही अभी अगले मंथ में कहीं लंबा टूर मैंने मंदिर का बनाया है, तो वहाँ जाऊँगा। तो यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिएगा हमारे यहाँ चारों तरफ, देखिएगा ये देखिए चारों तरफ पहाड़ है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल मैदानी, मतलब मैदान तो नहीं कहूँगा, बिल्कुल मैदानी समतल जगह है बिल्कुल। और यहाँ से चारों तरफ आपको एक पैनोरामा शॉट मैंने दिखा दिया बिल्कुल चारों तरफ का। और ये देखिए जहाँ से पॉइंट किया था वहीं पे मैंने एंड कर दिया। तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा ये जो है स्थान है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और जब आपको हमेशा ब्लॉग में दिखाते रहता हूँ जब यहाँ का टूर होता है, तो सामने जो है स्कूल है मेरा जहाँ मैंने बचपन में पढ़ाई की थी। बचपन में बोले तो आज से लगभग 15-16 साल पहले की बात है, एक्यूरेट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि सोचना पड़ेगा मुझे। कोई स्क्रिप्ट बेस्ड ब्लॉगिंग नहीं है, मतलब जो मेरे मुंह से आ रहा है वही मैं बोल दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं सोचता नहीं हूँ। और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया यहाँ के सरसों के फूल हमें दिख रहे हैं। इसी बहाने एक छोटा सिनेमेटिक व्यू आपको दिखाऊँ, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरह सपोर्ट कर देना। चलिए सिनेमेटिक शॉट्स। जरूर बताइए, मैं यही कोशिश करता हूँ कि मेरा ये ब्लॉग पिछले ब्लॉग से बेटर हो। बस अगर इसी तरह आप सपोर्ट करते रहे हैं तो जल्दी से और बढ़िया कैमरा लेके मैं और अच्छी तरीके से ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर दूंगा और आपको पहाड़ी नज़ारे इससे भी बेटर तरीके से दिखाऊंगा और बहुत क्लियर क्वालिटी में आपको दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया यहाँ का नज़ारा है सरसों के फूल। जिस तरफ को मैं आ गया हूँ वहाँ बहुत बढ़िया बड़े बड़े सरसों के फूल देख रहे हैं आप और गेहूँ भी काफ़ी बड़ी हो गई है। उस साइड को थोड़ा सा क्लाइमेट हल्का सा चेंज है क्योंकि यहाँ का क्लाइमेट और हमारे पहाड़ के साइड का क्लाइमेट अलग है। बोले तो जहाँ मैं हूँ वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा अलग है और सामने का जो हम जिस तरफ को रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट अलग है, क्योंकि वहाँ जो जंगल है बांज का जंगल है और बांज का जंगल, बांज एक पेड़ होता है जिन्हें पता नहीं होगा बता दूँ, बांज एक पेड़ है, बाहर के लोगों को नहीं बता दूँगा, पहाड़ी लोगों को तो पता ही होगा। तो वहाँ हमेशा ठंडा रहता है और जब धूप आती है तो सबसे पहले इस पहाड़ पे धूप आती है और यहाँ की फसलें सबसे अच्छी होती हैं। जो गर्मी में होने वाले फल हैं इस साइड को लग जाते हैं और उस साइड नहीं लगते हैं क्योंकि वहाँ काफ़ी ठंडा है। बताया मैंने आपको बांज का जंगल है और वहाँ धूप नहीं आ पाती क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही चेंज है। तो चलिए एक फाइनल व्यू आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट ब्लॉग क्या होना चाहिए। भाई सजेशन आप दे सकते हैं, जरूर बिल्कुल दे सकते हैं। तो फाइनल लुक ये देख लीजिए आप बिल्कुल, तो ये हमारी एरिया का पूरा व्यू है। तो देखिए सरसों के पीले फूल और हरे भरे खेत, यहाँ बिल्कुल अलग ही लेवल का बिल्कुल यहाँ पर नेचर हो रहा है।
क्योंकि यहाँ अभी ऋतु बसंत की है। आने वाले टाइम पे आपको होली भी दिखाऊंगा, क्योंकि होली पता नहीं अगले महीने से है, मुझे एक्यूरेट तारीख तो नहीं पता, फिर भी मैं आपको होली जरूर दिखाऊंगा। और साथ ही बहुत सारी चीज़ें हमारे आने वाले त्यौहार जो हैं, बहुत से कुमाऊँ जो मैं जो त्यौहार होते हैं उत्तराखंड पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगा। तो इसी तरह सपोर्ट करते रहना, जुड़े रहना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।